अब अपन जैसे ये नवंबर का देख रहे हैं, नवंबर दर्पण का इकोनॉमिक, इसमें लास्ट सेगमेंट अपन देखते हैं, कुछ बची हुई न्यूज़ सबसे पहले देख रहे हैं अपन। नवरत्न कंपनियां टोटल हो गई 25, है ना। देखो वैसे इसके अंदर कोई जाना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इन नवरत्न के संदर्भ में जो इनका इसका बड़ा भाई है कौन सा, जिसको अपन बोलते हैं महारत्न, जो आज की तारीख में 14 आए और जो सबसे लेटेस्ट अभी जुड़ी है, जो हाल जिसकी चर्चा अपन ने, मतलब ये अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी चर्चा अपन ने कर रखी है दिसंबर 2024 वाले आर्थिक के अंदर, उसके अंदर आप देख लो, ठीक है। और बाकी नवरत्न की संख्या 25, कोई खास नहीं, मोटा ध्यान रख लो। सबसे बड़ी जो इकाई है इसमें है महारत्न, फिर है नवरत्न, फिर है मिनी रत्न। तो तीन श्रेणियाँ होती हैं, महारत्न, फिर नवरत्न, और फिर उससे नीचे अपने मिनी रत्न, मिनी रत्न, है ना। सबसे ऊपर महारत्न, सबसे नीचे मिनी रत्न, बीच में नवरत्न, ऐसे, ठीक है। तो महारत्न जो है वो 14 है और ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बाकी दोनों को अपन छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें एक आध नाम आ रहे हैं जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, जैसे NHPCL, नेशनल हाइड्रो पावर, SJVL, सतलज जल विद्युत, सतलज जो मेन नदी है अपने पंजाब की वो, फिर SECIC, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, है ना, जो अपन रिन्यूएबल एनर्जी देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, वैसे। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या होगी 25, मेन है अपने महारत्न जिनकी संख्या है 14, और सबसे लेटेस्ट जो जुड़ी है वो अपने है हाल दिसंबर 2024। फिर अपन देखते हैं 5 सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में लगाए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो है अपन ने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अक्टूबर 2024 की जो अपने दर्पण है उसके नेशनल में, है ना, राष्ट्रपति का जो संबोधन था अपने 15 अगस्त का, उसके संदर्भ में सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बीच के होते हैं, सेमी बीच का। 3-5 प्लांट लगाए गए, जिसमें से 3 अपने अहमदाबाद में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के साणंद एरिया में, साणंद, ठीक है, एक अपने अहमदाबाद धोलारा के अंदर ही। तो कहने का मतलब 5 में से 4 कहाँ है, अहमदाबाद में ही है, ठीक है। 4 में से 3 तो अपने साणंद अहमदाबाद में, एक है धोलरा अहमदाबाद में, और एक है अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिल्कुल अलग कहाँ, मोरीगांव, ठीक है, मोरीगांव। ये मोरीगांव जैसे अपन डिस्ट्रिक्ट ही है ये, जैसे देखोगे आप अपने सेंट्रल, जैसे जो आसाम ही है, अपने आसाम है तो इधर ही सेंट्रल आसाम में, इधर आपको मोरीगांव दिखाई देगा, ठीक है। इधर ये अपने ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाती है ऐसे, फिर ये अपना इधर ये गोलघाट जो जिला है, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे गोलपाड़ा है, गोलघाट उसके पास ही अपने मोरीगांव, ऐसे ऊपर देखते हैं तो अपन डिब्रूगढ़ आता है, शिवसागर आ जाता है, जहाँ पे वो मैडम पढ़ाई थी मैंने, मोदाम्स, जो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, ठीक है, ऐसे। तो सवाल ये कि सेमीकंडक्टर कितने लगाए गए प्लांट, 5 लगाए गए, 5 में 4 कहाँ है अहमदाबाद में, एक बचा। तो एक अपन जैसे देख रहे हैं उत्तर पूर्व में वो अलग चल जाएगा, तो वो बिल्कुल अलग ही है भाई, अहमदाबाद तो इधर, एक वो बिल्कुल अलग ही है आसाम, ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वाधवन बंदरगाह। ये वाधवन बंदरगाह भारत का सबसे उन्नत बंदरगाह है जो अभी बनने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे उन्नत तो है, मतलब देश का सबसे बड़ा और सबसे गहरा होगा, उन्नत का मतलब सबसे बड़ा यूं और सबसे गहरा यूं, ठीक है। और ये तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह आएगा, कहने मतलब 12 ऑलरेडी है और ये 13th बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अभी तक का होगा और सबसे गहरा होगा। क्या नाम है, वाधवन, है ना, वाधवन, ये वध नहीं है, ये वा वधा है, सॉरी, वधा, वधावन, वधावन, वधावन बंदरगाह, वध है ना, वध अपन पढ़ते हैं, वध कर रहे हैं वनों का, कर रहे हैं वन, तो ये वध को कर देना वधा, वधावन बंदरगाह, बस बात इतनी सी, वधवन, वधावन, ठीक है कहाँ, पालघर जिला अपने महाराष्ट्र का, वहाँ पे पालघर की लोकेशन देख लेते हैं, इधर ही मैप अपने लगा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र कभी भी मैप देखो तो 3 डिस्ट्रिक्ट अपने को पता होने चाहिए, एक है नासिक, एक है ठाणे और एक है पुणे, ट्राइंगल में आता है ये, ठीक है, ये इसको टूरिस्ट ट्राइंगल भी बोलते हैं अपने महाराष्ट्र का, नासिक, ठाणे एंड पुणे, NTP, नेशनल थर्मल पावर, है ना, ये NTP, नासिक, ठाणे और पुणे, बॉम्बे जो है ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। यू फिर अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे पालघर जिला ऊपर देख रहे हैं अपन, ये है दादरा नगर हवेली, अपन जाते हैं राजस्थान से, आप बॉम्बे जाओगे तो इधर गुजरात, गुजरात से निकलते हुए ये इधर ठाणे, ठीक है। तो दादरन गुजरात, फिर दादरा नगर हवेली यूनियन टेरेटरी, इधर दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, ये पूरा दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये दीव जो है ना, ये इधर गुजरात का ये वाला जो हिस्सा ना, इधर यहाँ है दीव, बाकी ये तीनों एक जगह है, तीनों लैंड में है, दादर, नागर, दमन, दीव का है, दीव या द्वीप के रूप में दीव, क्वेश्चन आता है दीव, ठीक है। तो इधर फिर MP में अपन महाराष्ट्र में नीचे घुसते हैं अपन, तो महाराष्ट्र का जो सबसे पहला जिला आता है वो कौन सा है, पालघर। तो पालघर जिले के अंदर ये बन रहा है अपने क्या, वधावन बंदरगाह। तो आप देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ लोकेशन, ये है बॉम्बे,
ठीक है, इधर अपने ये नेवा सेवा एलिफेंटा केव्स की तरफ, इधर है नीचे अपने मैंगलोर, पहले मुरमगांव और नीचे इधर मैंगलोर कर्नाटक है। अब इनको इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिणी क्रम में जचाओ। इधर अपने जैसे गुजरात, इधर ही गुजरात देखा ना अपने, इधर ही गुजरात है। ये गुजरात देखा अपने इधर, ये गुजरात आ रहा है जैसे ना, ये अपने इधर एक कराची, ठीक है, इधर कराची सही नहीं होना, ये हो तो इधर अपने कराची यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर अपने ये आ रहा है वैधावन, हाँ सॉरी कराची, ये इधर कांडला, हाँ ये कांडला, कराची इधर अपने पाकिस्तान में सिंध में, ठीक है, कांडला बंदरगाह। तो मैं ये बता रहा था कि इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में क्रम में जचाओ। तो अभी कांडला आ गया और मुंबई आ गया। अब वधावन के अगर आप भाई, वधावन इतना पता है कि एमपी महाराष्ट्र में, सॉरी, अब महाराष्ट्र में तो नीचे भी हो सकता है, बॉम्बे से ऊपर भी हो सकता है, तो बॉम्बे से ऊपर है क्योंकि ये पालघर जिला ही है। तो उत्तर से दक्षिण में क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर अपने कराची, देन कांडला, देन वधावन, देन मुंबई, मुंबई के बाद फिर नीचे ये जेएनपीटी, जवाहरलाल पोर्ट, नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, अपने नेवा सेवा, फिर ये अपने मुरमगांव इधर गोवा और इधर ये मैंगलोर, समझ गए। तो ये उत्तर से दक्षिण में क्रम में मदद करेगा वधावन। मुंबई के किधर है, मुंबई से किधर है, नॉर्थ में है ना ये, क्योंकि ये बॉम्बे पे जो लोड है, खासतौर पे जेएनपीटी पे जो लोड है ना, उसको कम करने के लिए है ये, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नेवा सेवा। तो सबसे बड़ा, सबसे गहरा पालघर महाराष्ट्र 2030 तक पूर्ण होगा, अभी इसकी नींव डाली गई, सागरमाला परियोजना के तहत ही बन रहा है। सागरमाला परियोजना क्या, भारत के बंदरगाहों का विकास करना, 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा ये, इसका मतलब 12 पहले से हैं, देखेंगे। विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों में एक होगा, देखो आप, ठीक है। अल्ट्रा बड़े बजे जा अल्ट्रा बड़े जहाज, मतलब एक तो होता बड़ा जहाज, एक होता अल्ट्रा बड़ा, उस बड़े से भी मतलब मेगा शिप्स, वर्तमान में भारत के किसी बंदरगाह पर नहीं रुक सकते, क्योंकि इन जहाजों को बंदरगाह तक आने के लिए गहराई चाहिए पानी में, अगर पानी गहरा नहीं होता है तो ये फिर मोशन नहीं कर पाते, मतलब इनको खुद के प्रोपेलर जो होते हैं बंद करने पड़ते हैं, नहीं तो क्या वो मिट्टी में फंस जाते हैं प्रोपेलर। अब खुद का प्रोपेलर बंद कर देगा तो फिर मतलब वो धक्का लगाना पड़ेगा या खिंचवाना पड़ेगा किसी से, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है तो फिर इनकी लागत बढ़ती है, लागत बढ़ती है तो फिर ये आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये वधावन बंदरगाह ऐसा है जहाँ पर भी अल्ट्रा बड़े जहाज भी रुक सकेंगे, हार्बर कर सकेंगे। फिर दूसरा क्या है, ये मदद करेगा अपने IMEEC, है ना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट से काफ़ी लंबे समय में चलेंगे तो समझो, IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर। देखो आई से तो अपने इंडिया आ गए, एम ई में जो पहला मी है ना, ये है मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से अपने को यहाँ मतलब है, आप ये लिख लो सेंट्रल एशियन देश जो है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अपन पढ़ते हैं मिडिल ईस्ट, ये सारा मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। यूरोप में इधर अपन जाएंगे जैसे खास तौर पे तुर्की, और फिर उधर तुर्की से आगे इटली होते हुए, इधर तो इटली निकल जाएंगे और तुर्की से उधर अपन तुर्की से ऊपर निकलते हुए उधर जैसे अपन जाके अपने बेलारूस, सॉरी अपने रोमानिया, रोमानिया से फिर इधर पोलैंड की तरफ भी जा देंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, उधर निकल जाएंगे। ऐसे ही है IMEEC, IMEEC, इंडिया, ये जो पहला मी है ये है मिडिल ईस्ट, फिर है यूरोप और कॉरिडोर, ऐसे। हाँ बिल्कुल वही है, उसी का मतलब, उसको विकसित करने की बात है, दोनों थे ही, INSTC भी था और ये भी। दूसरा आपने इंटरनेशनल, स्पेलिंग सही करना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, INSTC, बाकी मैं इनका एक आर्थिक इंटरनेशनल में और लगा हुआ, वहाँ और चर्चा कर लूँगा, बता दूंगा। अभी तो ये जो न्यूज़ है उस पर अपन देख लेते हैं, IMEEC और INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो नॉर्थ साउथ से मतलब होता है, नॉर्थ अपन बोलते हैं डेवलप्ड, विकसित राष्ट्र, और साउथ है डेवलपिंग राष्ट्र। तो कुछ जैसे ही नॉर्थ यूरोप के अंदर जैसे विकसित राष्ट्र हैं, है ना, उनसे भारत, इधर म्यांमार, इधर सारी कनेक्टिविटी होगी, वो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ट्रांसपोर्ट मतलब ये ट्रांसपोर्ट, ये रेलवे वाला बेस्ड है, ज़्यादा रेलवे, थोड़ा रोड। और फिर जैसे ये ईरान तक आ जाएंगे, अफगानिस्तान आ जाएंगे रेल और रोड से, फिर वो भारत के पास आएंगे किससे, इस वधावन पानी से, रास्ते के पानी के माध्यम से, ठीक है। तो अपन देख रहे थे कि 13वां बंदरगाह है, तो इसमें मतलब 12 पहले हैं, बिल्कुल है। अब 12 जैसे आप ये लोकेट करोगे ना इधर, तो 12 में देखो खास बात क्या है, इधर देख लो गगन,
12 में खास बात किया आपने, भारत में 6 इधर है और 6 इधर है, तो 6 और 6 12, फिर ये 13वां अपन ने अपनी लोकेशन देखी पालघर। अब 6 इधर कैसे है, सबसे पहले अपन देख लिया कांडला, ये यहाँ है कांडला, ठीक है, ये भारत का एकमात्र टाइडल पोर्ट है कांडला। एक टाइडल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, पहले यहाँ पानी जब चढ़ता है, जब हाई टाइड आती है तो जहाज ऊपर आते हैं, जब लो टाइड आती है तो जहाज वापस चले जाते, क्योंकि गहराई कम है पानी की नॉर्मल फेज में, तो टाइडल बंदरगाह। ये क्यों बनाया था, अपन इधर कराची था, आज़ादी के बाद कराची पाकिस्तान के पास चला गया, लोड बढ़ गया बॉम्बे के ऊपर, तो उस लोड को कम करने के लिए अपन ने कांडला बनाया था। बंदरगाह लायक नहीं है, लेकिन जो टाइडल इसमें आती है, टाइड आती है जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो जहाज आ जाते हैं फिर अंदर, ऐसे टाइड वापस जाती है तो साथ निकल जाते हैं फटाफट ऐसे। अब देखो टाइड आने और जाने में, मतलब टाइड जब रुकती है उतने समय जहाज यहाँ रुक सकता है, तो टाइड कम समय रुकती है और जहाज के अंदर सामान ज्यादा होता है। वही है जैसे अपन बोलते हैं ना कि ट्रेन 2 मिनट रुकेगी, अब जो उतर सकता है उतर लो, जो चढ़ सकता है चढ़ लो, अब उसमें जल्दबाजी भी हो जाती है, अब जहाज में ऐसा हो नहीं सकता ऐसे, तो इसलिए फिर ये वधावन बंदरगाह अपन बना रहे हैं, जिससे कि भारतीय कैपेसिटी बढ़े। फिर IMEC है और INSTC। तो सबसे पहले तो हो गया कांडला, समझ गए, दूसरा हो गया अपने ये मुंबई, इसमें अभी वधावन अपन लोकेट नहीं कर रहा है, तीसरा ये अपने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वहीं अपने थाने में, अब सॉरी अपने थाने जिले में ही है, पुणे के बॉम्बे के जस्ट बॉम्बे, जैसे आप कभी देखोगे ना, देखो ये बॉम्बे ऐसे दिखाई देता है, यूँ बॉम्बे कभी देखोगे तो, ये जो है ना ये तो इधर है अपने, ये जो बॉम्बे अपन से देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और इधर है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और यहीं पर ये एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा, तो ये बॉम्बे ऐसे ही दिखाई देता है अपने वही, तो अभी जो सी ब्रिज देखेंगे अपन वो यहाँ बना हुआ है नया, जो अभी लेटेस्ट बना है भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है ना। तो ये JNPT देख लिया अपने, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं इसको, JNPT, नेवा सेवा भी इसी का ही नाम है। दो हो गए, एक कांडला, दो मुंबई, तीसरा JNPT, चौथा ये मुरुमगांव है अपने गोवा, पांचवा मैंगलोर है अपने कर्नाटका, छठा है ये अपने कोच्ची केरला, सातवा है तूतीकोरन, आठवा है अपने इधर यहाँ पे चेन्नई, नौवा है एनोर, दसवा है विशाखापट्टनम, ग्यारह है पारादीप, बारहवा है कलकत्ता। पारादीप जो है ना, ये पारादीप भारत के सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, विशाखापट्टनम जो ये सबसे गहरा बंदरगाह है वर्तमान में, ठीक है, एनोर कामराज बंदरगाह, ये मतलब एकमात्र पोर्ट है जिसको प्राइवेट चलाता है, ट्रस्ट चलाता है इसको, ठीक है ना, ऐसे करके ये मतलब पोर्ट ब्ले बंदरगाह नहीं है ऐसे, मतलब ये तो जैसे नॉर्मल यू दर्शा रखा है यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ से पोर्ट नहीं है जहाँ पे मतलब ये कॉमर्शियल वेसल्स रुकते हैं, समझ गए, ऐसे ही अपने हैं, टोटल 12 हो गए, तो 12 मेजर पोर्ट। अब 13वां कौन सा है इसके अंदर वधावन पढ़ रहे, तो कभी भी मैप आए तो 6 इधर बनाओ और 6 इधर बनाओ, बन जाएंगे, और ऑलमोस्ट हर राज्य के अंदर एक चलते चलेंगे, जितने अपने कोस्टल राज्य हैं ऐसे चलेंगे, अपन एम्फीबियन राज्य बोलते हैं इनको, एम्फीबियन उभयचर राज्य, तो एक हो गया, दो महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा अपने तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां ये 9 उभयचर राज्य है अपने पास, 9 एम्फीबियन स्टेट्स। उभयचर का मतलब जिनके पास पानी भी है और स्थल भी है, लैंडलॉक नहीं है, जैसे मेंढक होता है वो उभयचर है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है ऐसे। इधर नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य है उभयचर नहीं है, ये अपने त्रिपुरा पानी को नहीं छूता, ये मेघालय पानी को नहीं छूता, बांग्लादेश सीधा म्यांमार को छूता है, समझ गए, तो 9 अपने पास उभयचर राज्य हैं, तो हर राज्य के अंदर एक बंदरगाह है, कांडला दिख गया अपन को, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर 2 हो गए ऐसे, और जैसे अपन देख लेते हैं इसके अंदर विशाखापट्टनम 9 राज्य है ना, तो 9 के 9 हो गए, एक ये इधर हो गया 11वां, और एक 12वां इधर ये तमिलनाडु के अंदर 2 हैं एनोर ऐसे कामराज बंदरगाह, समझ गए, तो ऐसे टोटल 12 हो गए, कभी बनाओ 6 इधर 6 इधर, ये 13वां होएगा, और ये सारा अपन ने देखा वधावन बंदरगाह, ठीक है ना, इसको एक बार रिवाइज करो, अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये जनधन योजना तो वैसे पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी इसके 10 वर्ष पूर्ण हो गए, ठीक है, 28 अगस्त 2014 से चालू हुई थी, 2024 10 वर्ष हो गए, वित्त समावेशन की है, वेरी इंपॉर्टेंट, 53 करोड़ खातों के अंदर DBT से ये जैम ट्रिनिटी से पैसा गया है, जाम क्या है, जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी, तो जनधन खाते आए ना, है ना, तो जनधन योजना थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, खाते खोले गए थे, अब देख लो 53 करोड़ खाते खोले गए हैं, मतलब एक आदमी का 53 करोड़, तो करीबन करीबन आधी जनसंख्या उस समय, भाई जनसंख्या थी 120 करोड़, तो देख लो आधी जनसंख्या खाते नहीं थे उस समय तक,
ठीक है, 2014 में लॉन्च हुई, ठीक है, दो 2014 में ही नरेंद्र मोदी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब लॉन्च हुई है। तो 55, और इसमें देखते हैं 55% खाते जो हैं वो कौन है, वो महिला धारकों के हैं। क्योंकि ये जनधन खाता खोलना जरूरी क्यों था, क्योंकि सरकार को पता था डीबीटी हम लॉन्च करेंगे तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा खाते में, खाता ही नहीं है तो कहाँ जाएगा बेनिफिट, ऐसे जरूरी था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी थी, अगर आप कंटिन्यू उसको मेंटेन रखते हो तो कुछ एक एवरेज पैसा आप खाते में नहीं होते हुए आप पैसा निकाल सकते हो, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। रुपए डेबिट कार्ड मिला था, एटीएम कार्ड, और 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर इसके अंदर मिलता है जब कोई जनधन खाता खुलता है। तो ये जनधन खाते में था। जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या क्या है अपन देखते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, 2014 के अंदर घोषित है, और जाम ट्रिनिटी का ये हिस्सा है, जनधन आधार एंड मोबाइल, जाम ट्रिनिटी, नीति आयोग की सब बहुत बड़ी जीत है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अभी अपन ने जो पहले देखी थी ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के तहत, तो वो देखी थी अन्नदाता आय संरक्षण, ये है किसान मानधन, जो मेहनत करता है उसका उसको मिले। 5 वर्ष पूर्ण हो गए, 2019 में चालू हुई थी, 19/5/24, लघु व सीमांत किसानों के लिए। लघु व सीमांत कौन होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, मतलब 8 बीघा से जिनके पास कम है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं, सीमांत व लघु, ऐसे बोलेंगे इसको, सीमांत व लघु, पहले सीमांत आएगा फिर लघु आएगा। ये स्वैच्छिक व अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है ये, मा नय धय नय, नैना दो बार आ रहा है तो नैना में क्या आ जाएगा, नय से नय और पेंशन, पेंशन, ठीक है, याद रखनी है। क्या है, 60 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह, कब तक, जब तक आप जीवित हो। आयु, अब जुड़ने की आयु क्या है, 18 से 40 साल के बीच में आप जुड़ सकते हो, भाई 60 के बाद तो सरकार देगी ना आपको, 18 से 40 के बीच में आप जुड़ सकते हो। किसान द्वारा प्रीमियम क्या है, प्रति माह किसान को कितना देना पड़ेगा, अगर 18 साल की उम्र तक जुड़ता है, 18 साल की जब उम्र है तो 55, 18 से 25 के साल में जुड़ेगा तो 80 रुपये, 25 से 35 के रूप में जुड़ेगा 150, और 40 के बीच में तो 200। कहने का मतलब है ये प्रीमियम 55 और 200 रुपये के बीच में वेरी कर रहा है, और चार मतलब वो है कैटेगरीज प्रीमियम की। समझने वाली बात यह है, आय उम्र के हिसाब से इसको रटने की जरूरत नहीं है। उम्र मोटा मोटा ध्यान दीजिए 18 से 40, एंट्री और क्या है इसकी डेट, एलिजिबल 18 से 40, ठीक है। और दूसरा मिनिमम प्रीमियम 55 है और मैक्सिमम 200 है, 55 को 50 कर दो, 50 चौके 200, 4 स्केल है, मतलब 4 वो अपने स्लैब है ना, और एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं 18 पे क्या है ये क्या, लेकिन 18 से 40 है और 55 से 500 है, इतना पता होना चाहिए, 4 स्लैब है, सॉरी 55 से 200 है, 4 स्लैब है, ठीक है। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा हुआ है, ठीक, इतना ही योगदान कौन करेगा, सरकार करेगी। जबकि अपन ने देखा था कौन सी एनपीएस किनके लिए, बच्चों के लिए, 18 से जो कम था उसके अंदर सरकार वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। अब देख लो, यहां 18 से ज्यादा वाले हैं एनपीएस वात्सल्य, 18 से कम थी उसमें सरकार कुछ नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, बराबर सरकार उतना ही देगी, इसलिए वो एनपीएस वात्सल्य वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छपना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ऐसे संचालक कौन है, एलआईसी करेगी इसका, ठीक है, एलआईसी करेगी, लेकिन फिर जैसे एलआईसी इन्वेस्ट जो भी पैसा है एलआईसी तो ले लेगी, फिर एलआईसी ये पैसा किसको देगी, ये एनएसडीएल को दे देगी पैसा, और फिर एनएसडीएल इसको इन्वेस्ट करता है, ऐसे तो एलआईसी ध्यान रख लो आपके उसके अंदर। तो ये थी अपने कौन सी, प्रधानमंत्री किसान मानधन, मानधन से मतलब क्या है, यहाँ पे मानधन मतलब पेंशन मिलेगी उसको 60 साल बाद में। एंट्री की एज क्या, 18 से 40, 55 से लेकर 200 रुपये तक प्रीमियम है, 4 स्लैब है, खत्म। जितना अंशदान खुद किसान देगा उतना ही सरकार उसको इक्विवेलेंट देगी, मंथली है ये 55 से 200 जो है मंथली है, समझ रहे हो, ऐसे संचालक LIC। फिर अपन बागवानी फसलें देख लेते हैं, बार बार इकोनॉमिक सर्वे भी आई, देखी है कौन कौन सी है, फल फूल सब्जियाँ, फल हो जाते हैं अपने फ्रूट्स, फूल हो जाते हैं फ्लावर्स, सब्जियाँ आ जाती है हॉर्टिकल्चर में अपने, ठीक है, उसमें जैसे प्याज आ जाते हैं, प्याज टमाटर जो भी पढ़ा था अपन ने, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, इसमें ही है सब्जियों, मसाले पल्सेस, शहद हॉर्टिकल्चर में देखो, औषधीय पौधे आगे घटक लिखा हुआ है, ये घटक जाओ औषधि, जी से है गिलोय, ए से है अश्वगंधा, टी से है तुलसी, और के से है कालमेघ। आयते राजस्थान सरकार ने कोविड में 4 पौधे बांटे थे हर परिवार को
दो दो पौधे, घटक, ग ट क घटक नहीं लिखना है, जी ए टी के लिखना है, जी से गिलोय, ए से अश्वगंधा, टी से तुलसी, के से काल में घटक जाओ। तो ये बागवानी फसलें थी, शहद और घटक से याद रखो औषधियों से, क्योंकि बागवानी जब अपन बोलते हैं ना तो ज़्यादा क्या ध्यान आता है, सब्जियाँ ध्यान आती हैं, सब्जियाँ और मसाले ध्यान आती हैं, पल्सेज एंड ये अपने वेजिटेबल्स, शहद औषधीय पौधे ध्यान नहीं आते। इसलिए बताओ किसान की आय दुगनी करनी है, फसल फसल में बागवानी फसलें, पैसा ज़्यादा मिलता है, लाइफ ज़्यादा होती है। दूसरा पशुधन, डेयरी, वाइट रोशन 2.0। फिर खाद्यान्न उत्पादन में अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी उगती है भारत में फसल, चावल प्रथम, कितना है 1,338 लाख मिलियन टन, ठीक है। द्वितीय नंबर पे उगती है गेहूँ, अपन खाते ज़्यादा गेहूँ, राजस्थान में तो अपन को लगता है गेहूँ ज़्यादा उगता है ना, ये क्वेश्चन आता है और गलत होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगती है भारत में, चावल, ठीक है ना। ऐसे फिर नेक्स्ट है सुभद्रा योजना, उड़ीसा ने चालू करी है। आयु एंट्री एज क्या है अपने 21 से 60 साल। पारिवारिक आय क्या है 2.5 लाख सालाना से कम होनी चाहिए, और कहने का मतलब NFS फैमिली होनी चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में रजिस्टर्ड। फिर क्या है ये 21 से 60 साल तक आपने दे दी, फिर अगले 5 वर्ष में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सरकार आपको पेंशन देगी, एक तरह से पेंशन योजना है लिख लो अभी, जैसे अभी अपन ने देखा था किसान के लिए थी प्रधानमंत्री किसान मानधन 18 से 40 तक में, फिर 60 बाद सरकार देगी। यहाँ पे क्या है 21 से 60 आप दोगे, ठीक है ना, और फिर बाद में क्या 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष भाई 60 के आप हो गए तो मतलब 65 वर्ष तक आपको कितने देगी, 65 के होगे ना तो आपको सरकार कितने देगी प्रति वर्ष 10,000 रुपये देगी आपको, कोई ज़्यादा नहीं है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब 5,000 रुपये की दो किस्त, एक साल में 10,000 रुपये देगी आपको सरकार, 5,000 की दो किस्त है, पहले 6 महीने जनवरी में 5,000 और फिर जुलाई के अंदर 5,000, तो 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे इसमें। और जबकि वहाँ क्या था अभी अपन किसान मानधन में देखा, पहले तो डिफरेंस क्या 18 से 40 थी उसके अंदर एंट्री है, प्रीमियम की 4 स्लैब थी 55 से 200 रुपये तक, और फिर कितने साल देगी वहाँ पे सरकार, क्या 5 साल मानधन में, आजीवन, याद करो ऊपर देखो मानधन दिखाया था, आजीवन देगी आपको पेंशन, देखो इधर आजीवन। और जबकि सुभद्रा में क्या है अगले केवल 5 साल खत्म, कह रहे मतलब 50,000 रुपये का लोड है सरकार के ऊपर पर पर्सन, अगले 5 साल देगी 10,000 रुपये की तीन किस्त, 10,000 रुपये की दो किस्त देगी साल के अंदर, साल में 10,000 रुपये देंगे और दो किस्तों के रूप में आएंगे, यूँ है, समझ गए। उड़ीसा के अंदर है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है, देखो उड़ीसा की, ठीक है। सुबह फिर अपन देखते हैं कि ईस्ट एशिया फाइनेंस मिनिस्टर की मीट हो रही थी, तो अपन ने दिसंबर के अंदर देखा ही है बिल्कुल खोल के, तो जो सी दिसंबर 2024 जिसमें अपन ने आसियान मीट देखी है, तो उसमें अपन ने आसियान के साथ देखा था आसियान प्लस वन भारत के साथ, फिर अपन ने देखा था आसियान प्लस थ्री, उसमें कौन कौन आए, फिर अपन ने देख लिया क्या ईस्ट एशिया समिट, तो ये चार हो गए अलग हो रहा है, 8 हो गए टोटल, ऐसा है ये। तो ईस्ट एशिया समिट फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका बना रहे थे, पहले बैठ के बात कर लेते हैं जिससे वहाँ माहौल नहीं बिगड़े, ऐसे है। तो ये अपन ने अलग से जो चीज़ें बची थी वो देखी, मेन अभी इसमें अपन रिवीजन के रूप में देखे तो क्या देखा कि सबसे पहले तो देखा अपन ने नवरत्न, नवरत्न में ये नवरत्न 25 आगे ध्यान रखना है मेन, महारत्न 14 गेल लेटेस्ट, सेमीकंडक्टर 5 प्लांट नए लगे हैं, 3, 5 में 4 तो लगे हैं अहमदाबाद में, उन 4 में से 3 लगे हैं सांड में, और एक जो सबसे अलग लगा आसाम में मोरी गाँव में, मेरा गाँव नहीं है, मेरा गाँव मेरी माटी नहीं है ये, या मेरा सेमीकंडक्टर नहीं है, मेरी है ये, मेरी मोरी गाँव, वाधवन बंदरगाह 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा, सबसे गहरा सबसे बड़ा, अल्ट्रा जहाज रुक सकेंगे, और मुंबई से उत्तर में, कांडला से दक्षिण में, और मुंबई से उत्तर में IMEEC और INSTSC का ये रहेगा, STC INSTC, ठीक है। फिर 12 प्रमुख बंदरगाह अपन ने देखे, 6 इधर हैं 6 उधर हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी स्कीम थी, DBT की थी, जाम ट्रेन से जुड़ी हुई थी, 10 साल अभी पूरे हुए हैं, 50% खाते 55% खाते महिलाओं के नाम है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, रुपए डेबिट कार्ड और 2 लाख एक्सटेंड मिलता, और 53 करोड़ खाते, करीब 60 करोड़ खाते, आधी जनसंख्या के खाते खुले हैं किसमें, जनधन योजना में, क्योंकि पहले सिक्योरिटी ली जाती थी, डॉक्यूमेंट्स लाओ अटेस्ट कराओ, ये सब कुछ भी नहीं है इसमें। किसान मानधन योजना पेंशन योजना है किसानों के लिए, 18 से 40 एंट्री एज है, और जो प्रीमियम की दरें हैं वो 4 दरें हैं, 4 स्लैब हैं जो कि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है,
फिर 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और वो आजीवन मिलेंगे। जबकि सुभद्रा योजना के अंदर एंट्री एज क्या है 21 से 60, और केवल अगले 5 साल आपको 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे, वो भी 2,000-2,000 रुपये की 5,000-5,000 रुपये की 2 किस्त। जबकि ये एक तो 3,000 रुपये और वो आजीवन मिलेंगे, मतलब एक साल के अंदर 36,000 रुपये मिल जाएंगे इसमें तो, और वहाँ पे एक साल में 10,000 रुपये ही हैं, और ये 36,000 रुपये सालाना आजीवन मिलेंगे, और जबकि वहाँ 10,000 रुपये सालाना सिर्फ 2 साल मिलेंगे। ये डिफरेंस तुलना करके देखते हैं तो कुछ समझ में आ जाता है। और फिर सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितना मानधन योजना के अंदर जितना किसान देगा उतना ही ठीक, इतना ही योगदान कौन देगी? सरकार देगी। जबकि सुभद्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बागवानी फसलों में जो ध्यान देने वाली बात है कि शायद और ओज दिए उसमें लिखना अपने को, वैसे अपन फल फूल सब्जियां और मसाले तो लिख ही देते हैं, शायद और औषधि बच जाती है तो औषधि लेते हैं ज़्यादातर शायद के साथ याद ही है। खाद्यान्न के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का, सेकंड नंबर गेहूं का। सुभद्रा योजना भी बताई उड़ीसा की है। ईस्ट एशिया समिट जो आसियान के साथ होनी थी उस फाइनेंस मिनिस्टर की पहले बैठक थी, तो आसियान दिसंबर 2024 में पड़ा हुआ है, उसमें हम देख सकते हैं। बाकी एक बात बताओ, उसमें मैंने अब पढ़ा हुआ है तो मैंने बताया था कि आसियान की स्थापना कब हुई, क्या क्लू बताया था मैंने कृष्णा? भाई आशा है, आशा बड़ी शुभ है कि साथ बना रहेगा, तो शुभ का मतलब क्या, कौन सा अंक शुभ के लिए जाना जाता है? साथ। तो क्या होगी, कब हुई? 1967 खत्म, ऐसे निकल गया। फिर आशा थी कि कब तक साथ बना रहेगा? बस सर बस बस, हम ज्यादा साथ नहीं चाहिए, हम खुद पढ़ सकते हैं, तो 10 बस। फिर 10 थे तो 3-3 में पढ़ाए थे MTM, क्या गगन वो MTM से आगे बोलो, MTM तो मैंने बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलोगे, म्यांमार थाईलैंड मलेशिया, SBI क्या बोलेंगे कृष्णा? ब्रुनेई इंडोनेशिया, फिर अपन बोलेंगे क्या गगन, फिर ये रह गया SBI, फिर अपन क्या बोलेंगे? वेरी गुड, फिर लास्ट में क्या लिखूं? फिलीपींस, ओके। और इंडोनेशिया अपन देख रहे थे तो इंडोनेशिया के द्वीप देखे थे, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इंडोनेशिया का? सुमात्रा, ठीक है सुमात्रा। भारत के सबसे नज़दीक कौन सा है? यही सुमात्रा, ठीक है। और इसकी राजधानी है जकार्ता, वो कौन से द्वीप पे है? इंडोनेशिया तो पूरे देश का नाम है, जावा, सुमात्रा, फिर जावा द्वीप है, बाली भी सुमात्रा पे ही है, जावा द्वीप पे ही। और ये क्या आर्चिपलोजी है, आर्चिपलोजी मतलब द्वीपीय राष्ट्र है, सबसे बड़ा द्वीपीय राष्ट्र। ये बात निकल गया कि द्वीपीय में अपन देखा था क्या, चागोज के अंदर अपन ने देखा था कौन सा है नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, कौन सी है वहां पे कृष्णा चागोज में? नहीं, ये तो ब्रिटेन के पास था जो मॉरिशस को दे दिया, लेकिन अपन एक नेवल सपोर्ट फैसिलिटी देखी थी वहां पे, नौसैनिक अड्डा है चागोज में किसी देश का, उसका नाम अमेरिका का है, क्या नाम है उसका, कहां पे है वो? डियागो गार्सिया, गगन बीच में नहीं बोलते हैं, डियागो गार्सिया, ठीक है ना ऐसे। और ये अभी किसको दे दिया चागोज कृष्णा? अपन ने मॉरिशस को, ठीक है ना। फिर मैंने चश्मा बताया था, इसका क्लोच है सहमा, ठीक है। तो चश्मा माँ से था क्या, मेडागास्कर या मॉरिशस, सह से क्या था, क्या था गगन? अब आप बोलते नहीं तो मैं पूछता हूँ, तो सेशेल्स, और चीज सह से क्या था, चागोस, और ऊपर ये स्कोटा द्वीप से ऊपर, स्कोटा बिल्कुल गल्फ ऑफ एडन पे। किसने एक मैंने क्लू बताया था, एडन, एडन है, लेकिन वो बोल के गड़बड़ कर दी सारा, अंडमान निकोबार दैसे दस, और डंकन तो कहा था वो तो अदा है, क्या अदा है सर, अदन मजा है, ऐसे अंडमान, ऐसे अंडमान, लेकिन ये ग्रेटर अंडमान है, ये लिटिल अंडमान, फिर डी से क्या है, ये है डंकन, DUN के डंकन पास, ऐसे। चलो तो ठीक है, ऐसे ही अपने ये थी, इसमें अपन ने पूरा इकोनॉमिक जैसे देखा है, ठीक है ना। ये अपन ने नवंबर वाला, तो नवंबर वाले इकोनॉमिक में देखो अपने खास खास क्या बातें देखी, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे कि अपना एक वो लय बनी रहे, क्योंकि इसके टुकड़े ज़्यादा हो गए। विस्तारा एयर इंडिया, यहाँ से अपने है ना, एक झलक में बता देता हूँ, 2 मिनट कहीं रुकेंगे नहीं, बस सट सट। सबसे पहले विश्व बैंक देखा,
है ना, सारा IMF देख लिया था, फिर ये मैंने इसके अंदर जोड़ दिया ब्रिटेन रोबोट्स 1944, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड क्या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विश्व युद्ध से तबाह हो गई थी सारी संस्थाएं, देश तभी खड़ा करने के लिए वापस आया। ग्लोबल फिनटेक समिट अपन ने देखी मुंबई में, सारा जाना ही, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इसके बारे में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, UPI वगैरह सब देखे, विस्तारा का अभी विलय हो गया, एयर इंडिया में देखा है सारा, टाटा कैसे जो हसरत रह गई थी, मैंने ना विस्तार सबसे ही बना है, विस्तारा हसरत रही उसको पूरा किया, इंडिगो अपने देखा सबसे बड़ा नाबालिग वात्सल्य आज आए ही, सबसे बड़ी कोई खास बात किया, सरकार इसमें कुछ नहीं देगी, ठीक है ना, एंट्री एज 18 है, 18 से कम के लिए है, फिर 18 के बाद नॉर्मल में चेंज हो जाएगा। फिर अपने देखा प्रधानमंत्री जय आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जय योजना का विस्तार, 70 से ज़्यादा वाले भी आएंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। फिर ये बस सेंट्रल स्कीम, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो लाभ दोनों में से किसी एक का ले पाएगा, एलिजिबल है लेकिन लाभ किसी एक का लेगा, बताइए। फिर आयुष्मान भारत जन आरोग्य देखा ही अभी अपन ने डिटेल में देखा ही, खास बात क्या है, अंत्योदय के लिए है ये, अंत्योदय, ठीक है ना, गरीब तबका SC CC जो है उसके लिए 5 लाख का बीमा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना, प्रति परिवार है ये 5 लाख, सदस्यों की कोई सीमा नहीं है, सदस्यों की उम्र की कोई सीमा नहीं है, ना संख्या ना उम्र, देखा है डिटेल में अपन ने सारा। फिर अपन ने ये देखा एक OOP देख लिया था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो डॉक्टर्स हैं उनकी डेटाबेस बन रहा है। फिर अपन ने देखा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, तो उसमें खास देखा अपन ने ये वीट और उससे अलग है राइस से, तो एक काम करेगा पल्सेस के ऊपर और अपने स्पाइसेस के ऊपर, है ना, इसमें देखा अपन ने सारा। फिर प्राइस सपोर्टिंग स्कीम देख लिया अपने पल्सेस ऑयल सीड कोपरे के लिए, डेफिसिट पेमेंट सिस्टम देख लिया कैसे MSP से डिफरेंस आ रहा है, नेफेड की स्थापना 58 में देखी, FCI की 64 में देखी, 6 साल बाद, 6 साल का डिफरेंस है नेफेड और FCI में, बड़ा जो है वो नेफेड है, नाम भी नेफेड बड़ा है, NAPIPD नेशनल एग्री मार्केटिंग कोऑपरेटिव, MSP में जो नुकसान है वो देख रहे हैं अपन, 2 ही क्रॉप्स पे 6% ही बेच पाते हैं, 24% को पता ही नहीं है, 97% 80% मतलब असंतुष्ट है, ठीक है, क्वांटिटी कम है, ये इंडिया वाला क्या था, होल ऑफ इंडिया के लिए घोषित होती है, एक सेट सबको नहीं आ सकती, क्वांटिटी कम है, डिले हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 अपन ने देखा ही, कैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है, माल न्यूट्रिशन को कम करना है और SDGs को पाना अपने को पूरा, ये सारा अपन ने देखा ही, ठीक है। फिर वाइट रिवॉल्यूशन के बाद अपन ने आज देखा नवरत्न कंपनी यानी मारथन, सेमीकंडक्टर 5, अहमदाबाद 1, आसाम, मेरुगांव, वाधवन बंदर का 13 प्रमुख बंदर का ये पूरा करेगा, मकसद IMEEC को और INSTC को, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी, हाँ एक ही जगह लॉजिस्टिक चेन भी बनेगी, लॉजिस्टिक चेन वही है, सामान जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पूरा वो जल्दी से जल्दी आगे से आगे बढ़ना चाहिए, लॉजिस्टिक चेन है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्त समावेशन के 10 साल पूरे हुए, प्रधानमंत्री किसान मानधन, किसानों के लिए पेंशन योजना है, 3,000 रुपये प्रति माह, 36,000 रुपये सालाना आजीवन, ठीक है, ये सारा अपन ने देखा, सरकार भी इसमें इतना ही देगी जबकि NPS वात्सल्य सरकार कुछ नहीं करी। बागवानी फसलों में शहद और घटक जोड़ना है, औषधीय पौधे, खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा चावल है, सुभद्रा योजना उड़ीसा की पेंशन योजना है, लेकिन 10,000 रुपये सालाना 5,000 रुपये की 2 किस्त, ईस्ट एशिया समिट आसियान से रिलेटेड है, December 2024 में देखी ऐसे, ठीक है। तो ये था अपना आर्थिक November 2024 का, इसके बाद अपन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, पहले राष्ट्रीय देख लेते हैं, ठीक है ना, नवंबर 2024 का, ओके।